ये सारे फुटवेयर, ओ माय गॉड, जस्ट एग्जैक्टली द डेजी पैटर्न, बिकॉज ये कंफर्टेबल है, अच्छा है, क्वालिटी आपको फुल मिलने वाली है. मेरे फैशन सेंस से बहुत ज्यादा ऑपोजिट है. Hi everyone, welcome back to my channel. So finally we are discussing a huge footwear haul. Yes, so ये सारे फुटवेयर मैंने अभी अमेजोन से परचेज करे, बिकॉज अमेजोन पे अभी सेल थी और मैं रोक नहीं पाई लिटरली अपने आप को. एक तो पता मैं बाहर पहन के घूम रही हूँ, लाइक डेली पहन के घूम रही हूँ. मैं अभी लाऊंगी वो लास्ट में दिखाऊंगी, बिकॉज दैट वॉज लाइक एक्चुअली माई फेवरेट वन, बिकॉज उसमें कम्फर्ट लेवल, ओ माई गॉड, उसमें कम्फर्टेबल मतलब मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं जब से वही पहन रही हूँ. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक हॉल वीडियोज, एंड प्लीज चेक आउट माई रिसेंट वीडियो जो इसके पहले मैंने अपडेट करी थी. इस वीडियो में मैं एज सच कुछ और डिस्कस नहीं करूंगी. वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द फुट वेयर, बिकॉज इतने सुंदर सुंदर फुटवेयर है. मैं एक आपको दिखाऊं अगर, सो जस्ट सी दिस वन, मतलब ये मेरी विश लिस्ट में कब से पड़े थे एंड फाइनली अब जाके मेरी विश लिस्ट जो है वो अब कार्ट धीरे धीरे खाली हो रहा है. तो इस बार तो मैंने सारे फुटवेयर ऑर्डर कर लिए थे एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो. पहले मुझे फोन लेना पड़ेगा बिकॉज मुझे प्राइसेस वगैरह सारी साथ में बतानी पड़ेंगी. सो वेट, लेट मी जस्ट ओपन अमेजॉन, बिकॉज अमेजॉन पर मुझे प्राइस मिलेंगी. ऑल्सो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट द लिंक्स. एंड सारी लिंक्स वीडियो के अकॉर्डिंग ही मैंशन रहेंगी. लाइक अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में बात कर रही हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहला लिंक इसी का होगा, तो आप चेक कर सकते हैं. सो हम इसी से स्टार्ट करते हैं ना. सबसे पहले हम बात करेंगे लोफर्स की, जो कैजुअल लोफर्स मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर करे हैं. ये मतलब इस टाइप का सेम मैंने अभी लिटिल बॉक्स से भी ऑर्डर करा था, बट अगेन दीज आर मोर कम्फर्टेबल आई वुड से, बिकॉज ये है लेदर, दिस इज मैट फिनिश और वो था मेरा ग्लॉसी फिनिश में. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट लिटिल बॉक्स, तो उसका मैं सेपरेट हॉल आपके साथ शेयर करूंगी, डोंट वरी. सो दीज आर द वेरी क्यूट लोफर्स, ओ माई गॉड, जस्ट चेक देम आउट, लाइक सी दिस. एंड मैंने पता है इसमें एक साइज़ बड़ा लिया है, बिकॉज जो मैंने लिटिल बॉक्स से लिया था ना वो मैंने एग्जैक्टली मेरी साइज़ का लिया था, बट अगेन वो थोड़ा सा टाइट था, इसलिए मैंने इसमें 38 साइज़ लिया है. एंड ये है मैट फिनिश में, अगेन ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पैटर्न में आएगा, लाइक इसका जो हील है ना वो फ्रंट से भी ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछे का आपको हील सेक्शन बड़ा मिलेगा, आगे से भी ये आपको बड़ा मिलेगा. मतलब समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ. इसका प्राइस रेंज है 699 अगेन, एंड 699 के अकॉर्डिंग इट्स वेरी कंफर्टेबल. साइज वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है एंड कलर्स आपको इसमें दो मिलते हैं, दैट इज ब्लैक एंड वाइट. अ थम्स अप प्रोडक्ट, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली विंटर्स में ये बहुत काम आने वाला है. लाइक बूट्स इज ओके, बूट्स मैं पर्टिकुलरली बूट्स की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, मेरे पास एक भी नी लेंथ बूट्स नहीं है. एज वेल एज शॉर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो एक सिर्फ मेरे पास ब्लैक कलर का बूट्स है, दैट्स इट. उसके अलावा मेरे पास बूट्स नहीं है एंड आई डोंट वॉन्ट टू लाइक बाय देम, बिकॉज मेरा वो फैशन नहीं है, लाइक आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद बूट्स बेसिकली. तो मैं अब लोफर्स में ही इन्वेस्ट करने वाली हूँ, दैट्स इट. सेकेंड आइटम इज द क्यूटेस्ट आइटम इन दिस हॉल, बिकॉज वो है पेस्टल ग्रीन कलर में, जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं. आई गेस आपने बहुत सारे हॉल वीडियोज में ये ऑलरेडी चेक करा होगा. सो दीज आर द क्यूट ग्रीन प्लेटफॉर्म हील्स आई वुड से, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म पैटर्न में, इसमें भी आपको सेम ये प्लेटफॉर्म हील्स मिलते हैं और दोनों ही साइड में ये व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे हैं. मिड सेक्शन में फ्लावर्स नहीं है अगेन, बट जो साइड वाला सेक्शन है ना इसमें ये बहुत क्यूट फ्लावर्स लगे हैं, लाइक डेजी टाइप के फ्लावर्स हैं, येलो कलर का सेंटर में. इट्स एग्जैक्टली द डेजी पैटर्न एंड इसका जो साइज है वो है मेरा 38, क्योंकि मुझे 37 नहीं मिल रहा था. अगेन अगर आप 37 पहनते हो तो आप 38 थोड़ा बहुत चला सकते हो, बट 36 मत लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा. जस्ट गो विथ 5UK, 5UK आपके लिए परफेक्ट आएगा. एंड जस्ट लुक एट देम मैन, ये कितना क्यूट है. मुझे अगर इसमें कलर्स मिलेंगे ना, आई डोंट थिंक सो इसमें कलर्स अवेलेबल है, बिकॉज मुझे सिर्फ ग्रीन ही मिला था. एंड जो इसका प्राइस है इट्स 599, मतलब ये आपको 600 में मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो इससे बेटर मिलने वाला है. इसकी रेटिंग्स वगैरह भी बहुत सही है. इसमें कलर्स नहीं है यार, इसमें कलर्स बिल्कुल नहीं है. ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ये वाली आपको कैसी लगी है, बिकॉज इट्स सुपर क्यूट और ये कम्फर्टेबल रहती है. प्लेटफॉर्म हील्स आर मोर कम्फर्टेबल देन नॉर्मल हील्स. नेक्स्ट वन इज़ अगेन फ्रॉम शूटोपिया एंड ये मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, बिकॉज ये पता मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट नहीं क्या स्टार्ट हुआ ब्रॉडकास्ट चैनल, हाँ इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी शेयर करा था. एंड आई आस्क यू गाइस कि वेदर ये अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, और बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था पता नहीं क्यों, बट आई वॉज एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दिस वन, बिकॉज मुझे इसका डिज़ाइन वगैरह बड़ा ही पसंद आ रहा था.
क्रॉस पैटर्न में था एंड यहाँ पे भी लाइक टाई अप करने के लिए एक अलग से सेक्शन था, तो मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा था बिकॉज आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर प्लेटफॉर्म, दैट्स इट. मुझे अब हील्स चाहिए नहीं थी, मतलब मैं जितना कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म में रहती हूँ ना उतना आई डोंट थिंक सो मैं कहीं और कंफर्टेबल रहती हूँ. बट अगेन इसमें साइज अवेलेबल नहीं था, सो आई जस्ट ट्राइड विथ 38, मतलब मुझे 37 लगता है बट मैंने सोचा लेट्स गो विथ 38, देखते हैं कि कैसा क्या आता है एंड लेट्स सी. बट ये थोड़ा सा लूज ही है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कभी इन केस मेरा 37 साइज अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो अगर मैं 38 परचेज करती हूँ तो वो मुझे आएगा या नहीं आएगा. सो इट वॉज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल एंड दिस इज द फुटवेयर. ओ माई गॉड, मतलब ये आप लोग कैसे मना कर सकते हो, जस्ट टेल मी दिस थिंग. मतलब इतना सुंदर लग रहा है वो पहनने के बाद. दिस इज द फ्रंट सेक्शन, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस मैट है, प्लस आई डोंट नो कि मैं इसे कैसे फ्रेम करूँ, फ्रेज करूँ, बट जस्ट गो एंड बाय दिस, प्लीज डू दैट. एंड इस बार का जो हॉल है ना, सिर्फ मुझे एक थोड़ा ओके ओकेश लगा है, अदरवाइज ऑल आर सुपर कंफर्टेबल. कंफर्ट जोन की आप बात कर रहे हैं ना, तो ये सारा फुटवेयर कलेक्शन आप परचेज कर लेना, मैं बता रही हूँ. द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड दिस थर्ड वन, ऑल थ्री आर कम्फर्टेबल, लाइक वेरी कम्फर्टेबल. एंड इसमें आपको बेल्ट मिलता है जो आप क्रॉस करके यहाँ पे पहनेंगे एंकल में. मुझे सेकेंड वाला भी निकालने दो बिकॉज दीज आर एक्चुअली सो क्यूट. ठीक है, तो ये हो गया इस टाइप का. सी कितने क्यूट लग रहे हैं ये लोग साथ में. एंड इसमें आपको कलर वेरियंट्स नहीं है, सिर्फ आपके पास ब्लैक ही अवेलेबल है. येस, इसमें सिर्फ ब्लैक अवेलेबल है. द प्राइस रेंज इज बिट कॉस्टली, दैट इज 800 rupees, बट 800 इज टोटली वर्थ इट बिकॉज इसका जो हील है ना ये इसमें अटैच है, तो ये इसका सोल नहीं निकलने वाला है. आप जितना ट्राई कर लो वो नहीं निकलेगा, सालों साल चलने वाला आइटम है ये. अगर आप 800 rupees निकाल भी रहे हो तो वो वर्थ इट होने वाले हैं, ऑल आई कैन से दैट. नाउ अब अगर आप यहाँ तक आ गए तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैंने फोर्थ वाली सैंडल लाइक फुटवेयर जो मैंने ऑर्डर करा था ना, वो एग्जैक्टली वो नहीं आया है. लाइक ब्रांड की साइड से गलती हुई है बिकॉज इट्स फ्रॉम स्टीप ब्रांड. हाँ, स्टीप स्टेप जो भी है इनका ब्रांड का नेम. बिकॉज मैंने ऑर्डर करा था ये वाइट वाला फुटवेयर जो कि प्लेटफॉर्म में था, अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म और स्लिपर पैटर्न में ही ऑर्डर कर रही थी, बट 599 की प्राइस में लाइक मुझे जो रिसीव हुआ है इट्स हील. ठीक है, मैं बिकॉज हील्स देख नहीं रही थी, बट अगेन ये आ गया है, तो दिस इज द हील. ये मेरे फैशन सेंस से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है बिकॉज आई यूजली डोंट वेयर दीज काइंड ऑफ हील्स, बट अगेन ये पहनने पर बहुत सुंदर दिख रही थी, नो डाउट. मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे शायद इस टाइप के हील्स और ट्राई करने चाहिए, बट आई डोंट नो कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ, वेदर मैं इसे पहनूंगी या नहीं पहनूंगी. ये आप लोग बताओगे कि ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है. इफ़ यू विल से येस, तो फिर पक्का मैं इसे रखने वाली हूँ और फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी मे बी शायद मेरे आउटफिट्स के साथ. बट आई एम नॉट श्योर लाइक ये कैसा लगने वाला है बिकॉज इसका जो नीचे वाला सेक्शन है दैट इज द हील सेक्शन, ये है वाइट में एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ ब्राउन और यहाँ पे लगी हुई है बो. तो ये इस टाइप का जो फुटवेयर है ना मैं यूजली ऐसा पहनती नहीं हूँ, बट इफ़ यू गाइज विल से तो ही फिर मैं ट्राई करूंगी. एंड दिस इज द सेकेंड वन. तो ये दोनों वैसे तो मुझे साथ में अच्छी लग रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा हील है जो मैं इतना कैरी नहीं करती हूँ. इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम तो आपको पता होगा मैं इतने बड़े बड़े हील्स नहीं पहनती हूँ. सो लेट्स सी क्या होता है, वेदर मैं पहनूंगी या नहीं पहनूंगी बिकॉज इसका साइज वगैरह सब परफेक्ट आ गया यार मेरे लिए. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन जो मैं आपसे बोल रही थी, दैट इज माई पर्सनल फेवरेट, इज बाय द ब्रांड मार्क लॉयर जो भी है. आई नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट अ बिट रॉन्ग, बट एग्जैक्टली तो मुझे इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, बट इट्स वेरी फेमस ब्रांड. ऑल्सो इस ब्रांड के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, प्लस यू कैन चेक आउट द ब्रांड्स बिकॉज ये कंफर्टेबल है, अच्छा है. और आई कैन से इट्स लाइक अ बिट कॉस्टली, बट अगेन ये आपको बहुत कंफर्टेबल प्लस हाई क्वालिटी आइटम देंगे. सो दिस इज इन द बेज शेड. इस टाइप के फुटवेयर अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे. पहले मैं आपको फोटो दिखाऊं, तो ये है सॉलिड प्लेटफॉर्म हील्स, ये वाली प्लेटफॉर्म है बेज शेड में जो मैंने ऑर्डर करी थी. एंड इसका करंट प्राइस है 1295. आई नो ये महंगी है, बट अगेन जस्ट बिलीव मी व्हेन आई से दिस की क्वालिटी आपको फुल मिलने वाली है. मैंने 5 UK ऑर्डर करा था, इसमें आपको कलर वेरियंट नहीं मिलता है अगेन, बट इस ब्रांड में आपको इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे फुटवेयर मिलेंगे. लाइक नेक्स्ट टाइम जो मैं परचेज करने वाली हूँ इज ऑफकोर्स दिस व्हाइट वन बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली क्यूट और इस टाइप के फुटवेयर मुझे बहुत पसंद है. सो लेट जस्ट टॉक अबाउट दीज क्यूट फुटवेयर. मैं 3 दिन से डेली बाहर जा रही हूँ और मैं यही पहन के जा रही हूँ बिकॉज बुकिंग्स के टाइम पे मुझे 5-6 घंटे खड़े रहना पड़ता है मेकअप करते टाइम, एंड मुझे चाहिए कम्फर्ट जोन. मैं उस टाइम हील्स नहीं कैरी कर सकती, मैं स्लीपर्स कैरी नहीं कर सकती हूँ, मुझे चाहिए प्लेटफॉर्म एंड वो भी जो ऐसा दब सके. तो ये वाले जो फुटवेयर है ना ये उस केस में बहुत हेल्प कर रहे हैं. मेरा 3 दिन में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पैर दुख रहे हो घर आके या फिर कुछ ऐसा इशू हो रहा हो. सो दीज आर लाइक हाई क्वालिटी आइटम्स जो आपको मिल रहे हैं 1300 की रेंज में. मस्ट हैव इन योर वार्डरोब बिकॉज अगर आपको डेली ट्रैवल करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है,
जस्ट गेट देम प्लीज़। एंड दीज आर सुपर क्यूट, लाइक जो ये स्ट्रैप्स बनाई है ना इन्होंने, चार तीन तीन स्ट्रैप्स बनाई है और यहाँ पे ये इस टाइप का मतलब लॉक है। या तो मैं तो इसे खोल नहीं रही हूँ ये सोच के कि ये ख़राब ना हो जाए, बिकॉज पता है क्या होता है कि इसे अगर हम बार बार ओपन करते हैं ना तो ये ख़राब हो जाता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पैर ऐसे ही अंदर डाल लूँ और फिर मैं बाहर निकालूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि ये जल्दी ख़राब हो जाए। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फैशनेबल येट कम्फर्टेबल, देन दिस इज द आइटम यू शुड चेक आउट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको आज का हॉल पसंद आया होगा। और लाइक इन से अपार्ट फ्रॉम दिस हील वन, जो मैंने हील लाइक वो धोखे से आ गई है, वो मुझे ओके ओके लग रही है, बिकॉज आई यूजली डोंट गो विद दिस मच ऑफ हील, इसलिए वो मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है, अदरवाइज इट्स गुड। एंड उसके अलावा तो भाई साहब चारों की चार मुझे बहुत पसंद आई है, प्लस माई फेवरेट इज दिस वन ऑफकोर्स, एंड उसके बाद फिर ब्लैक, देन द लोफर मैंने दिखाया था, एंड देन द ग्रीन वन, बिकॉज ग्रीन वन मैं उतना फ्रिक्वेंट नहीं पहनने वाली हूँ, वो मैं कभी कभी स्टाइल करूंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने बाकी तीन दिखाए ना, वो तो आप कभी भी लाइक डेली पहन सकते हो, ऑलमोस्ट डेली पहन सकते हो। सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपकी फेवरेट कौन सी है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल्सो डू चेक आउट माई लिटिल बॉक्स हॉल दैट इज कमिंग सून, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम लिटिल बॉक्स से भर भर के फुटवेयर ऑर्डर करे हैं। तो इफ यू गाइज वॉन्ट अ ऑनेस्ट रिव्यू, देन प्लीज चेक आउट माई नेक्स्ट हॉल। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय। तू है वही जिस अपना अपना कहा, तू है वही मेरा।